Hello students, today we discuss about the unit of solutions. आज हम लोग विलयन की इकाइयों के बारे में जानकारी करेंगे. सबसे पहले बात करेंगे मास परसेंटेज, द्रव्यमान प्रतिशत की. हमने बैक क्लास में पढ़ा सॉल्यूशंस का. इट हैव टू पार्ट्स, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, विलेय और विलायक. यहाँ विलेय की जो मात्रा है उसको स्मॉल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे और जो विलयन की क्वांटिटी है उसको विलायक के सिमिलर लेकर के कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे. एज ए डेफिनेशन, 100 ग्राम सॉल्यूशन में उपस्थित ग्रामों में विलेय की मात्रा मीन्स सॉल्यूट सब्सटेंस की मात्रा को मास परसेंटेज कहते हैं. मीन्स 100 ग्राम सॉल्यूशंस में जितनी क्वांटिटी सॉल्यूट सब्सटेंस की डिजॉल्व है या विलेय पदार्थ की घुली है या उपस्थित है उस मात्रा को उसकी द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं. इन फॉर्मूला द मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इक्वल्स टू द मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन द मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 अकॉर्डिंग टू परसेंटेज. मीन्स जो विलेय सब्सटेंस की द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात करेंगे हम, उसमें विलेय पदार्थ का द्रव्यमान अपॉन विलयन का द्रव्यमान इनटू 100. सपोज दैट अ स्टेटमेंट से टू यू 10% सॉल्यूशन ऑफ यूरिया NH2CONH2, यूरिया का 10% विलयन. अगर ऐसा कहते हैं तो इसका क्या अर्थ है, क्या मतलब हुआ? इट मींस 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन हैव 10 ग्राम ऑफ यूरिया. जो सॉल्यूशन है उसमें से यूरिया की मात्रा 10 ग्राम है और जबकि विलयन की कुल मात्रा 100 ग्राम. 100 ग्राम मींस 100 ग्राम विलयन में 10 ग्राम यूरिया उपस्थित. देन सेकेंड टॉपिक वॉल्यूम परसेंटेज, इसको आयतन प्रतिशत कहते हैं एंड वी अपॉन वी से रिप्रेजेंट करते हैं. एज ए डेफिनेशन, 100 इकाई आयतन विलयन में उपस्थित विलेय के इकाई आयतनों की संख्या को उसकी आयतन प्रतिशतता कहते हैं. अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन वी नो द क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन इन ml, मिलीलीटर में उसकी मात्रा दी होगी. v से डिनोट करेंगे उसके वॉल्यूम को. एज ए फॉर्मूला द वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सब्सटेंस इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एंड इनटू 100. आयतन प्रतिशतता ज्ञात करने के लिए विलेय पदार्थ की मात्रा का आयतन अपॉन विलयन का आयतन इनटू 100. सपोज दैट अ क्वेश्चन से टू यू 10% सॉल्यूशन ऑफ एथेनॉल, मतलब 10% एथिल एल्कोहल का विलयन C2H5OH का विलयन. इट मींस इन 100 ml क्वांटिटी ऑफ एथेनॉल हैव 10 ml ऑफ C2H5OH, मतलब 100% विलयन में 10 ml, 100 ml विलयन में 10 ml एथेनॉल के उपस्थित है. तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोग गिवन सॉल्यूशंस का मास परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज फाइंड आउट कर सकते हैं. तो स्टूडेंट्स एक सेकंड केस एग्जांपल से क्लियर करते हैं इसको इन डायग्राम. सपोज दैट इन अ वेसल 100 ml ऑफ सॉल्यूशन ऑफ मेथनॉल इज टेकन.
एक पात्र में, एक बीकर में 100 ml सॉल्यूशन मेथनॉल का लिया गया, मेथनॉल CH3OH. देन से टू यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 10% मेथनॉल सॉल्यूशन. सपोज दैट से टू यू 10% मेथनॉल सॉल्यूशन, क्या अर्थ है इसका? इसका मतलब है कि जो सॉल्यूशन की वॉल्यूम है, मींस जो वी क्राइटेरिया है इसका, वो गिवन है 100 ml, और इसमें जो सॉल्यूट की क्वांटिटी है वो कितनी है? केवल 10 ml. मींस एथेनॉल की जो, मेथनॉल की जो क्वांटिटी है वो कितनी है? 10 ml. तो हम इसको अगर एक्सप्लेन करें तो कह सकते हैं कि 100 ml विलयन में 10 ml मेथेनॉल उपस्थित है. तो इस तरह से हम स्टूडेंट्स इसका वॉल्यूम परसेंटेज फाइंड आउट कर सकते हैं.